नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूक अल मुबारकिया, जो कि एक बहुत ही हिस्टोरिक सूक है और ये कुवैत सिटी में लोकेटेड है। सूक का अरबिक में मतलब होता है बाजार। ये मार्केट कुवैत में लगभग 200 सालों से मौजूद है। ये मार्केट इराकी इन्वेजन के टाइम पे, जो कि 1990s में हुआ था, उसमें काफ़ी डैमेज हो गई थी। बाद में इसको रेनोवेट किया गया था। इस सूक का जो एम्बियंस है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है और कुवैत की झलक देखने को मिलती है। ये सूक बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है और इसमें बहुत सारी दुकानें हैं, जिसमें कि जो वेंडर्स हैं वो पर्शियन सिल्क कारपेट्स बेचते हैं, एंटिक्स बेचते हैं। वहाँ पे बहुत सारी परफ्यूम्स की शॉप्स हैं जो कि मस्क और ऊद में स्पेशलाइज करते हैं। गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी की बहुत सारी अच्छी शॉप्स हैं वहाँ पे, और जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स मिलते हैं वहाँ पे, जैसे कि अबाया और जो डिस्टाशा होते हैं, कंदूरा भी जिसको कहते हैं, उसके बहुत अच्छे शॉप्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्पाइसेस, स्वीट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मीट और फिश मार्केट। इसके अलावा यहाँ पे अरब और पर्शियन फूड के बहुत अच्छे ओपन एयर रेस्टोरेंट मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा यहाँ पे शीशा के काफ़ी शॉप्स हैं और बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड है। और इसकी जो आबहारी साइड है वहाँ पे एक बहुत अच्छा फाउंटेन है। जो स्काई स्क्रेपर्स हैं वो बहुत अच्छा व्यू देते हैं। इसके अलावा बोलने का मकसद ये है कि अगर आप कुवैत सिटी में रहते हैं तो यहाँ पे जाना एक वर्थ इट एक्सपीरियंस है। पैसा वसूल है कंप्लीट। पर आपने ये जितनी भी वीडियो देखी, आपने देखा होगा कि मैंने सूक का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है आपको नहीं दिखाया है अंदर का। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो लोकल कुवैती लोग हैं वो काफ़ी घूमने और शॉपिंग करने के लिए आते हैं, जिसमें कि महिलाएं भी होती हैं और वो अबाया पहने हुए होती हैं। और क्योंकि ये एक कंजर्वेटिव कंट्री है थोड़ी सी, तो वीडियोग्राफी करना और साथ उनको कैप्चर करना ये एक तरीके से प्रोहिबिटेड है और एक ऑफेंसिव वे में लिया जा सकता है सिविलियंस के द्वारा। इसलिए अंदर की वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है और वहीं पे कैप्चर करने की कोशिश करी है जहाँ पे जो है लोकल सिविलियन नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक लोकल शॉप में कचौड़ी भी खाई, बट मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ओके था। बाद में घूमने के बाद मैं लुलू जो हाइपर है उस पे चला गया शॉपिंग करने के लिए।